हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब ब्लॉग में। गैस, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, काफ़ी दिनों से यार मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर रहा हूँ। बीच में मैं रेगुलरली अपलोड कर रहा था, बट जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इन दिनों मानसून चल रहा है, एंड आप लोगों को मालूम है कि मैं अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस को एक्सप्लोर करता हूँ। तो गैस, ऐसे मौसम में माउंटेंस में जाना और अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस में जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है और जो पानी वगैरह है, बाढ़ वगैरह है, वो कंटिन्यूसली आ रही है। तो ऐसे में किसी भी माउंटेन में जाना थोड़ा सा रिस्की रहता है, इसलिए मैं जा नहीं रहा हूँ। एंड सेकेंडली गैस, मेरी कोशिश बीच में ये थी कि मैं आप लोगों को डेली ब्लॉग्स दूँ और लाइफस्टाइल ब्लॉग दिखाऊँ, बट मेरी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है नहीं, तो आप लोग देख कर क्या ही करोगे। तो इसी बीच में मैंने सोचा कि आप लोगों को एक अपडेट दे दूं कि ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। रही बात है यूट्यूब चैनल बंद होने की, गैस कुछ लोगों ने कोशिश करी कि यूट्यूब चैनल बंद हो जाए मेरा, और कुछ लोगों ने रिपोर्ट भी करा चैनल को, बट मैं यूट्यूब चैनल को बंद नहीं करने वाला हूँ। एंड थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आप लोगों के लिए ब्लॉग ज़रूर आएंगे, एंड बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। गाइस, प्लान्स बहुत है, बस उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप लोगों का साथ रहा, प्यार रहा, तो हम लोग पूरा अच्छे से इम्प्लीमेंट उसको कर पाएंगे आने वाले समय पे, और आप लोगों को अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हम दिखाएंगे। एक और बात गाइस, कि आप लोगों को मालूम है कि इन दिनों सावन का महीना चला है, एंड सावन में ना हिमाचल में बहुत ज़्यादा रौनकें होती है, हर मंदिरों में पूजा पाठ और खीर चली होती है। तो इसी सिलसिले में हम लोग भी, आज संडे है तो खीर खाने आए हुए हैं, तो खीर खा के वापस आते हैं, फिर देखते हैं कि ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे या नहीं। वैसे ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग तो है नहीं, फिर भी लेट्स सी। तो चलिए चलते हैं खीर खाने। सो गाइस, अभी हम लोग खीर खा चुके हैं, और अब खीर खाने के बाद बहुत ही हैप्पी हो गया है। हालांकि मैंने तो थोड़ा ही खाया, बाकी सबने दबा के खाया, क्योंकि ऑयली हो जाता है। और आप लोगों को मालूम है, नहीं मालूम नहीं होगा, बता देता हूँ कि मुझे थोड़ा ऑयली ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं तो यहाँ पे स्पेशली खीर खाने के लिए आया था, बहुत ही टेस्टी था। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने घर की ओर। गाइस, अभी खीर खा चुके हैं, तो आए तो हम निचले वाले रोड से थे, अभी आप लोगों को लेकर चलता हूँ मैं बाईपास रोड से। हम लोग पैदल ही आए हुए थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं ज़्यादा पैदल चला नहीं हूँ, तो एक जनरल हाइक सा हो जाएगा। तो अभी हम सेंच की तरफ जा रहे हैं, बाईपास रोड। तो रोड देख लो गाइस, क्या मस्त हो गया है। गाय देखो क्या मस्त अपना घास खा रही है। तो ये भी सही है गाय इधर का, कि जहाँ मर्जी इनको घास खाने को मिल जाता है, तो पूरे पहाड़ों में घूमते रहो, घास खाते रहो। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बाईपास रोड कहाँ को जाता है। आप लोगों ने मेरा पुराना ब्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने बड़े अच्छे से समझाया हुआ था कि कौन सा रोड कहाँ को जाता है। तो ये जाता है भाई अपना शांगड़ की ओर, रैला की ओर। अगर आप लोगों ने देवरी जाना है तो देवरी के लिए भी जाएगा, मतलब कि ये सभी जगह को ऊपर से कनेक्ट करता है, मार्केट जाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती। ये है अपनी ब्यूटीफुल सेंज वैली। गाइस देखो ऊपर से क्या ही मस्त लग रही है ये देखो, और इधर रहता हूँ मैं, और ये है हमारे कमला माता का मंदिर। तो ये पूरा मार्केट है, देखो गाइस क्या ही मस्त लग रही है ऊपर से। तो वो उधर गवर्नमेंट स्कूल है, वो कैप्टन हनीफ फाउंडेशन स्कूल है, एंड ये पूरा यहाँ से रिवर आ रही है। ये पूरा हमारा मार्केट वाला एरिया है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, इधर ग्राउंड है, और भी बहुत सारे एरिया है, सब कुछ इधर ही है। और उधर वो टैक्सी स्टैंड है। वो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है अपनी वैली। आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या फिर अच्छी नहीं लग रही। जितना आप नज़रें घुमाएंगे उतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह आपको मिलेगी, बट जो ये नीच हरकतें लोग करते हैं ना, दिस इज़ अनटॉलरेटेबल। ये देख सकते हैं, इधर बोतल पड़ी हुई है, इधर बोतल पड़ी हुई है। यस गाइस, आप लोग आओ बैठो, पार्टी वार्टी जो भी आप लोगों को करनी है करो, बट इस तरह से यार इन गंद को यहाँ पर मत फैलाओ प्लीज़, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। इतनी खूबसूरत वैली, इतना अच्छा यहाँ का टेम्परेचर, अच्छा यहाँ पे नेचर, और आप लोग ऐसी हरकतें करते हो ना तो बहुत ही बुरा लगता है गाइस, प्लीज़ ऐसा मत करो, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। राणा जी क्या बात है, आज आप हमारी प्यारी प्यारी ऑडियंस से बात नहीं कर रहे हैं। नमस्कार जी, आज थोड़ा मुझे सुस्ती छा गई थोड़ी, सावन के महीने में खीर जो है ना बहुत गर्म होती है। राणा जी ने भाई खीर दबा के खाई, मैंने तो एक ही पूरी खाई, बट राणा जी ने खाई चार पूरियां। ओ बाप रे, तो तो बहुत ही ऑयली पूरियां थी। तो अभी तो राणा जी चार तो मैंने खाई नहीं, तीन तो खाई, मैंने कुछ भूख खाई थी मुझे,
और दो कावली मैंने खीर की खाई। तो आज तो शाम तक का कोटा आपने पूरा कर लिया? नहीं नहीं, शाम को तो खाना, तो डिनर तो करना ही पड़ेगा। तो गाइस ऐसा ही होता है, जो हमारी खीर होती है सावन की बहुत ही टेस्टी होती है एंड खाना चाहिए। आप लोग भी कभी सावन के महीने में हिमाचल में आओगे, आई थिंक पूरे इंडिया में ही होती है ये, जहाँ जहाँ भी हिंदू कल्चर है वहाँ वहाँ सावन के महीने में खीर चली रहती है। तो आप लोग भी हिमाचल में आओगे तो खाना भाई खीर। रहने दो, या मैं पकड़ूंगा इसको। किसको? इसकी गारंटी है मेरे पास, पकड़ो। नहीं वो फटा नहीं है शायद ना, फटेगा है। तैयारी है इसकी? तैयारी है, देखो इधर आओ, ये पकड़ गया। अच्छा उधर है वो। हाँ, ये है दोस्तों अखरोट, देखिए क्या मस्त लगा है पेड़ पे। तो इसका पूरा छिलका निकल जाता है, अभी तो ये हार्ड है, अगर इसको हाथ से निकालेंगे पूरा हाथ काला हो जाता है ना, काला हो जाएगा। तो अभी तो हम इसको तोड़ेंगे नहीं, तोड़ना है आपने? तोड़ेंगे बाद में, बाद में तोड़ेंगे, बाद में नहीं, अभी दिखाता हूँ। तो देखो गाइस कितने ज्यादा अखरोट लगे हुए हैं। इधर दिखा पहले, ये पूरा राणा जी आपने पूरा कपड़े गंदे कर देने, अपने भी हाथ भी। बिल्कुल कच्चा है अभी, ये अभी तो कच्चा है, एक महीना एक मंथ लग सकता है इसके लिए। हाँ। तो अखरोट पेड़ से निकालने में तो हम नाकामयाब रहे, हो गए काले एकदम से, हो जाएंगे काले। सो मैं आपको बता रहा था कि पेड़ से तो हम उतार नहीं पाए, हमारी जंप थोड़ी सी फ्लॉप हो गई, अब थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और बट हम लोगों ने एक टेस्ट किया तो पका नहीं है, अभी लगभग एक महीना और लगेगा इसको तैयार होने पे। तो ये देख सकते हैं आप पेड़ों में किस तरह से सेब लगे हुए हैं, ये अपने ये सेब नहीं है, कौन सी वैरायटी है राणा जी? वैरायटी है कोई, सेब की वैरायटी है लेकिन, है ना? इधर भी सेब है। हाँ ये तो सेब है ना, उधर वाली कुछ और दिख नहीं रही होनी अभी प्रॉपरली, तो सेब अच्छे से दिख नहीं रहे हैं, कैमरा क्वालिटी हमारी अच्छी नहीं है ना। तो अभी आगे आएंगे शायद आप लोगों को दिखाएंगे, अभी पेड़ से सेब तोड़कर खाएंगे, अरे क्या स्वादिष्ट होता है। मुझे तो नाशपाती बहुत पसंद है। सो इस एंगल से भी देखो गाइस अपनी सहज वैली, यहाँ से पूरा ग्राउंड दिख रहा है। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आरके स्कूल दिखाओ, तो आरके स्कूल वो उधर है, अभी तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई है। मेरी स्कूलिंग 10th तक उधर से ही हुई है, उसके बाद मैं केंद्रीय विद्यालय चला गया था, तो वो उधर हॉस्पिटल है। ये पूरा अपना देखो क्या खूबसूरत है, और ग्राउंड देखो गाइस यहाँ से क्या ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो अभी हम जंगल से आ रहे थे और ये देखो राणा जी हो गए तैयार, यहाँ पर नाशपाती और वो देखो नाशपाती का पेड़ लगा हुआ है। तो राणा जी जा रहे हैं नाशपाती निकालने, ज्यादा मत निकालना भाई, देखना लोगों के नाशपाती है तो दो बहुत है, तो एक एक अभी नाशपाती खाएंगे। अभी हम जंगल से जा रहे हैं घर की तरफ को वापस, तो ये यहाँ से देखो क्लोज व्यू ऑफ सेंज वैली, ये देखो क्या ब्यूटीफुल है ना। तो थोड़ा सा साफ कर लेते हैं कपड़ों में ही, क्योंकि धोने का तो है नहीं, वैसे भी बारिश आई थी तो ये पूरा स्प्रे वगैरह सारी साफ हो गई होगी। तो वाह मजा आ गया। अभी लगभग 4 बज चुके हैं एंड हम लोग घर वापस आ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ गाइस, तो अभी रेस्ट कर लेता हूँ और वीडियो को यहीं पर रखता हूँ। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एज ऑलवेज लाइक शेयर कमेंट कर देना, एंड अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, एंड मैं आपसे मिलता हूँ फिर कभी किसी ऐसे ही ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय।